मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कई जगहों पर जैसे कि पंजाब में एक तरफ बिजली को लेकर परेशानी है, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री बिजली देने के वादे को कांग्रेस सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की क्लास लगा दी और ये कहा है कि डीएम करें मॉनिटरिंग और तत्काल बदले ट्रांसफार्मर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज और अधिकारियों को तलब किया और सख्त निर्देश दिया कि बिजली सप्लाई पर फीडर वाइज जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तत्काल विद्युत व्यवस्था को सुधारा जाए, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली की सप्लाई की जाए, पैसे की कमी नहीं है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश में कहीं में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो आवश्यकता अनुसार बिजली खरीद कर जनता को बिजली उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा कि गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब हो तो तत्काल बदले। उन्होंने निर्देश दिया कि हर दिन हर एक जिले की समीक्षा हो और रोस्टर का कड़ाई से पालन हो। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में कंट्रोल रूम बनाई और डीएम खुद मॉनिटरिंग करे। भीषण गर्मी के बीच हर गांव हर शहर को पर्याप्त और निर्बाध बिजली की सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली व्यवस्था को लेकर जो नीति घोषित की है उसे पूरी तत्परता से लागू की जाए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि हर एक फ्लैट को अटेंड करें, मतलब हर एक फ्लोर जो है उसको भी अटेंड आपको करना है। वहीं बिजली संकट को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भी ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि पिछले साल जून महीने की बिजली की मांग 26,359 मेगावाट के मुकाबले इस साल जून में 27,610 मेगावाट की खपत चल रही है। यह मांग अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक रूप से ज्यादा है, पिछले कई वर्षों की अधिकतम मांग से भी ज्यादा। इस समय की चल रही न्यूनतम मांग है 18,701 मेगावाट। ऐसे में सभी विद्युत कर्मियों के अनुरोध है कि जनता को निर्बाध बिजली देने के लिए तत्परता से सेवा में लगे रहे। सबका सहयोग और बिजली का समयपूर्ण उपयोग प्रार्थनीय है। बिजली उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने संकट पर कहा कि आपूर्ति इतनी ज्यादा है कि सिस्टम ही बाधित हो गया है, जल्द ही यूपी 28,000 मेगावाट की डिमांड को भी पार कर जाएगा। इसके अलावा बिजली चोरी भी इस समस्या की एक बड़ी वजह है। उन्होंने ये बताया कि विभाग के अधिकारियों ने हालात को लेकर उदासीनता दिखाई है। उन्होंने कहा कि विभाग को लगा कि मॉनसून जल्दी आ जाएगा तो हमें किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मॉनसून पिछड़ गया और विभाग की पोल खुल गई। अगर विभाग ने पहले से तैयारी की होती तो यह हालात नहीं होते। परिषद अध्यक्ष ने चेताते हुए कहा कि जब तक मॉनसून नहीं आए गए तब लोगों को गर्मी के कारण पसीना बहाना पड़ेगा, हालात ऐसे ही बने रहेंगे। हालांकि तुरंत ब्रेकडाउन को दूर कर हालात पर काबू भी पाया जा सकता है। उनका कहना है कि संसाधनों की कमी को दूर करना चाहिए ताकि भविष्य ऐसे हालात बनने पर तुरंत कंट्रोल जो है उसे किया जा सके। तब देख सकते हैं किस तरीके से जो बयानबाजी है देखने के लिए मिल रही है, जहां पर एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है वो क्लास लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिया है, उन्होंने बता दिया है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई भी जो है आपूर्ति जो है जनता को नहीं होनी चाहिए। जैसा प्रॉमिस किया था उस हिसाब से सारी बिजली व्यवस्था सूक्ष्म तरीके से चलनी चाहिए, पूरी बिजली का जो काम है वो होना चाहिए। डीएम खुद इस पूरे मामले को लेकर देखे, खुद इस मामले को लेकर जो है इसकी पूरी ध्यान रखे, इसे लेकर किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़े। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है अपने तरफ से आदेश जारी कर दिए हैं और उन्होंने कह दिया
किया है कि किसी तरीके की कोई भी जो है गलती है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जवाबदेही है यानी जो आपने वादा किया है उनको आपको पूरा करना पड़ेगा और इन वादों को पूरा करने के लिए वो जवाबदेह है यानी जवाब उन्हें देना पड़ेगा। कोई गलती कोई भी चीज़ जो है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरीके से सारी चीज़ें हैं चाहे वो DM हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी को उसी प्रकार से पूरी तरीके से इन परेशानियों की आपूर्ति जो है उसे करनी पड़ेगी। तो UP इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ये अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम है जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी तरीके की कोई असुविधा जनता को नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई जगहों पर जिस तरीके से फ्री यूनिट बिजली 200 यूनिट देने का वादा किया गया है कहीं पर बिजली आपूर्ति है लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि बिजली को लेकर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो बिजली पे कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए। उन्होंने मंत्री से बोला है कि धृतराष्ट्र ना बने अफसर अब DM करेंगे मॉनिटरिंग। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो बिजली व्यवस्था को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री और जो है बाकी लोगों को तलब कर दिया है और इस दौरान उन्होंने व्यवस्था पर सुधार लाने के आदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को तत्काल जो है सुधारा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो बिजली खरीद कर आम जनता को बिजली जो है उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों की फीडर वाइज जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारी प्रतिदिन जो है आपूर्ति की समीक्षा करें। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी फ्लॉट हो तुरंत उसे अटेंड किया जाए। शहर हो या गाँव जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब हो सूचना मिले उसे तुरंत जो है बदले। सरकार ने बिजली व्यवस्था को लेकर जो नीति घोषित की थी जिसमें जिला मुख्यालय में 24 घंटे तहसील मुख्यालय में 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली प्रदान करने की व्यवस्था उसे पूरी तत्परता से लागू हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्टर के अनुसार जो है बिजली आपूर्ति का काम पूरी तरीके से जो है किया जाए। हर दिन जिले में बिजली आपूर्ति की समीक्षा हो। जिले में कंट्रोल रूम बनाए और DM इसकी स्वयं मॉनिटरिंग करे और खराब ट्रांसफार्मर तत्काल जो है बदला जाए। अघोषित विद्युत कटौती पे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने शक्ति भवन के पावर कॉरपोरेशन उच्च स्तरीय पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र ना बने। जी हाँ बिल्कुल सही सुना उन्होंने। उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित विद्युत कटौती और टिपिंग स्वीकार्य नहीं है। डायरेक्टर टेक्निकल और डायरेक्टर कमिश्नर को चेतावनी भी दी और कहा कि सुधर जाए नहीं तो जिम्मेदारी हटा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्देश के बाद भी विभाग पर कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री ने शक्ति भवन में पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारियों को जमकर जो है लताड़ लगाई और उन्होंने कहा कि अच्छा व्यवहार ना करने और विद्युत व्यवहार सुधार के लिए कार्य संस्कृति को कोई बदलाव ना किया जाने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करके चेतावनी दी और कहा कि पूरी शक्ति भवन विद्युत कार्यों को लेकर सचेत है और यहां पर अधिकारियों के बैठने का कोई लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा। सब मिलकर विभाग की बदनामी करा रहे हैं। विभाग के कर्मियों की लापरवाही से विद्युत व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। सरकार की मंशा अनुसार उपभोक्ता हित के विद्युत कार्यों के प्रति सक्रियता दिखानी चाहिए। सभी अधिकारियों को फील्ड में जाने और अनुशासन कार्यों को स्थलीय निरीक्षण करने को कहा है। उपभोक्ताओं से हो रहे उत्पीड़न के प्रति शक्ति भवन में बैठे उच्च अधिकारियों पर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। ऐसे कार्य संस्कृति स्वीकार्य नहीं होगी और इसे लेकर शेड्यूल के अनुसार सभी क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित जो है की जाए। तो साफ तौर पर आप देखेंगे बिजली को लेकर योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है किसी तरीके की कोई परेशानी जो है नहीं होनी है। जरूरत पड़ेगी तो खरीद कर जो है पूरा किया जाए लेकिन जो वादा दिया गया है जो वादा किया गया है उसे पूरी तरीके से पूरा करना ही हमारा काम है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ द्वारा बिजली को लेकर बिजली आपूर्ति के लेकर जो है उन्होंने जमकर क्लास भी लगाई है और जितनी हो सके उतनी जल्दी सभी ट्रांसफार्मर जो भी खराब है उन्हें बदल कर और जनता को भी किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसे लेकर भी उन्होंने आदेश जारी कर दिया है और बिजली की पूरी सप्लाई करने की बात भी कही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए।